आप सभी का पहले देखो पहले सीखो YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर लें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। दोस्तों मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज पूरा भारत 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, उसी दौरान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेके। अगले 2 महीनों में सभी किसान भाइयों को मोदी सरकार सभी किसानों के खाते में 7,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने वाली है। दोस्तों सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। आप यहां पे देख सकते हैं पीएम किसान स्कीम अगले 2 महीनों में किसानों के खाते में 7,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी सरकार। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार अगले 2 महीने में कुल 7,000 करोड़ रुपए का फंड जारी कर सकती है। पिछले साल फरवरी से अब तक कुल 8.16 करोड़ किसानों को इस स्कीम का लाभ मिल चुका है। दोस्तों अगर आपको भी इस स्कीम का लाभ लेना है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें, और आपको इस स्कीम का लाभ मिला है या नहीं मिला है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कौन कौन सी किस्तें मिल चुकी है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं चालू वित्त वर्ष यानी 2019-20 के ख़त्म होने में अब केवल 2 महीने ही बचे हुए हैं। इस वित्त वर्ष के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए जारी किए गए कुल फंड का करीब 50% ही खर्च हो पाया है। गरीब किसानों की मदद के लिए इस खास योजना की शुरुआत की गई थी। अब तक इस योजना के तहत कुल 43,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि इस पूरे वित्त वर्ष के लिए सरकार ने जो फंड निर्धारित किया था वो था दोस्तों 75,000 करोड़ रुपए का, यानी कि लगभग हम बात करें तो 32-33 हज़ार करोड़ रुपए ही अब तक मोदी सरकार बांट पाई है। अब जो 7,000 करोड़ रुपए जो है वो मोदी सरकार बांटने वाली है। किसानों को मिलता है सालाना 6,000 करोड़ रुपए का भुगतान। तो दोस्तों पिछले साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली NDA सरकार ने किसानों के लिए इस खास स्कीम की शुरुआत की थी। मोदी सरकार किसानों के लिए इस योजना की शुरुआत की थी ताकि सभी किसान अपनी घरेलू जरूरतमंद जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के साथ साथ कृषि गतिविधियों पर भी ध्यान दें। इस योजना के तहत योग्य किसानों को सालाना 3 किस्तों के माध्यम से 6,000 रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पिछले साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम की शुरुआत की थी और सभी किसानों को प्रत्येक साल कृषि कार्य में बढ़ोतरी करने के लिए सभी किसानों को 6,000 रुपए सालाना मोदी सरकार उपलब्ध करा रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार की इस योजना से करीब 8.16 करोड़ किसानों को सीधे रूप में इस स्कीम का फायदा मिल सका है। इस साल फरवरी के मध्य तक यह आंकड़ा 9 करोड़ किसानों तक पहुँचने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का अनुमान कह रहा है कि इस आंकड़े तक जल्द से जल्द हम पहुंच जाएंगे और सभी किसानों को इस स्कीम का लाभ हम दे पाएंगे। सरकार ने 14 करोड़ किसानों को लाभ देने का टारगेट इस स्कीम के तहत रखा था। जब इस स्कीम की शुरुआत गोरखपुर से की गई थी तो उसी समय तय कर दिया गया था कि हम इस स्कीम के तहत 14 करोड़ किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये उपलब्ध कराएंगे। लोकसभा को लिखित जवाब में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 30 नवंबर 2019 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 14 करोड़ किसानों को लाभ मिल सकेगा, जबकि 30 नवंबर 2019 तक जिन किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिला था उनकी कुल संख्या का अनुमान का करीब 50% यानी कि 7.6 करोड़ किसान ही रह गए थे जिन्हें इस स्कीम का लाभ दिया गया था। बाकी के किसान जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उनका आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है और सभी किसानों को जल्द से जल्द इस स्कीम का लाभ दिया जा रहा है। अब जो है मोदी सरकार एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है 26 जनवरी 2020 को, यानी कि 71 गणतंत्र दिवस के ऊपर 2 महीनों में किसानों को मिलेंगे 7,000 करोड़ रुपए। CNBC TV8 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम में के लिए जारी किए गए कुल फंड में से सरकार के पास 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत यहाँ पे है। रिपोर्ट से यह निकल के सामने आया है कि बचे हुए 2 महीनों में फंड के कुल खर्च होने का आंकड़ा जो है 43,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकेगा। इसका मतलब यह है कि चालू वित्त वर्ष में बाकी बचे हुए 2 महीने में
मोदी सरकार 7 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। बाकी के जितने भी किसान बच चुके हैं जिन्हें अभी तक इस स्कीम का 1 भी रुपया नहीं मिला है, तो उन सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि उन सभी को यहाँ पे इन 7 हजार करोड़ रुपए में इस स्कीम का लाभ मिलने वाला है। इसी के साथ मनरेगा का फंड जो है उसको भी दुगना करने का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है। परिणाम स्वरूप यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अधिक फंड जारी करने से परहेज नहीं करेगी। एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक खबर निकल के सामने आ रही है कि केंद्र सरकार जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत दिए जाने वाले फंड को दुगना कर सकती है। इसके पीछे दलील की गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी के लिए इस स्कीम का लाभ लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इसके फंड को भी दुगना करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। मोदी सरकार जो है दो महीनों में यानी कि फरवरी और मार्च के अंतर्गत सभी किसानों को 7 हजार करोड़ रुपए डिजिटल ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के बैंक अकाउंट में डालने वाली है। अब दोस्तों अगर आपको अभी तक इस स्कीम का लाभ नहीं मिला है तो आप कहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कहां से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, चलिए हम आपको ले चलते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल ब्राउजर के अंतर्गत आपको इस तरीके से गूगल का न्यू पेज ओपन करना है और आपको यहाँ पे एक जो साइट है वो आपको टाइप करनी है pmkisan.gov.in। आप जैसे ही ये साइट टाइप करेंगे pmkisan.gov.in आप इस तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की मेन साइट के ऊपर आ जाएंगे। दोस्तों चाहे तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंतर्गत भी आप चेक कर सकते हैं और लैपटॉप कंप्यूटर में भी आप आराम से चेक कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे ही आप इस साइट के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे टोल फ्री नंबर मिलेगा, आप इसके ऊपर कॉल करके आप अपने अकाउंट से संबंधित संपूर्ण जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको अपना स्टेटस चेक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा फार्मर कॉर्नर, इस तरीके से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से 4-5 ऑप्शन आएंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप जो है न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने आधार कार्ड से इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए तो आप अपने नज़दीकी किसी भी ऑनलाइन दुकान पर जाके वहाँ पर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी इसकी कोई अंतिम तारीख नहीं है, आप जब भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सके तो आप करा सकते हैं और इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एडिट आधार फीचर रिकॉर्ड में आप अपना आधार कार्ड शुद्धिकरण कर सकते हैं, यहाँ से अपना स्टेटस, यहाँ पे लिस्ट और यहाँ पे अपने अकाउंट की स्थिति चेक कर सकते हैं। इन 5ों टॉपिकों के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आपको सरकारी योजनाओं के नाम से प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा बेनिफिशियरी स्टेटस, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके से एक नेक्स्ट पेज आएगा। दोस्तों इस पेज को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा आग्रह करूँगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस चैनल के माध्यम से आपको इस सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रत्येक जानकारी पल पल की अपडेट आपको मिलेगी। हमारे चैनल के माध्यम से लाखों किसानों ने गवर्नमेंट की लाखों योजनाओं का लाभ उठाया है। तो आपको इसके लिए इस वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके इस चैनल के साथ जुड़ना है। इसके साथ ही आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में जो ये बेल या घंटे का निशान दिखाई दे रहा है राइट साइड में, इसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आप सबसे पहले प्राप्त कर पाएं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी आए तो दोस्तों वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन दबाकर वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों के बीच शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस योजना का लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप इस पेज के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस समय आपने आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर अपडेट करवाया था, यानी कि आपने ये 3ों एंट्री डिटेल जो है आप उसने सबमिट की थी। तो आपके पास जो भी उपलब्ध हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसके आधार पर आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड से बताने वाला हूँ, मेरे पास आधार नंबर है, तो आप यहाँ पर जिससे भी चेक करना चाहिए, चाहे आधार नंबर से, अकाउंट नंबर से या मोबाइल नंबर से, उसके ऊपर आपको चेक मार्क लगा देना है और उसके बाद वो यहाँ पे आपको सबमिट करनी है। उसके बाद गेट डाटा के ऊपर आपको क्लिक करना है। दोस्तों मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने आधार नंबर को सेलेक्ट किया है, तो मैंने यहाँ पे आधार नंबर इनपुट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे गेट डाटा के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे गेट डाटा के ऊपर, तो उस कैंडिडेट की जिसका आपने आधार नंबर इनपुट किया है उसकी संपूर्ण डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फार्मर एप्लीकेशन स्टेटस, इसके अंतर्गत आप नाम देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेट राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट अलवर, यहाँ पे देख सकते हैं स्कीम रजिस्ट्रेशन कब किया था, स्कीम इसकी एक्टिव है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बैंक द्वारा डिटेल आप देख सकते हैं, बिल्कुल ओके। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे इंस्टॉलमेंट के, यानी कि किस्तों के, कि कौन कौन सी किस्त आपको कब कब मिल चुकी है।
दोस्तों अगर बैंक में आपको मना करे कि आपको ये किस्त नहीं आई है, तो आप उसे यहाँ पे ओपन करके आप दिखाएंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे अकाउंट में किस्त आ चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस किसान को 4 किस्तें प्रोवाइड हो चुकी है। दोस्तों जिस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको पहले किस्त मिलेगी, अगर आप बाद में रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको बाद में किस्त मिलेगी। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो उससे पहले की किस्त जितने किसानों को मिल चुकी वो किस्त आपको नहीं मिलेगी, उसके बाद की जितनी भी किस्तें मिलेंगी उनमें आपको शामिल किया जाएगा और उन किस्तों के आधार पर ही आपको भी आगे की जो किस्तें हैं वो दी जाएंगी। तो दोस्तों 7,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार डालने वाली है, तो आप जल्द से जल्द इस स्कीम के अंतर्गत अभी भी रजिस्ट्रेशन करके जल्द से जल्द इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे इस अपनी किस्तों के बारे में आप जान सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों और किसान भाइयों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस योजना की जानकारी प्राप्त करके इस स्कीम का लाभ ले सके। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी आने वाली गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएँ हैं उनकी जानकारी आप सबसे पहले प्राप्त करके और उन योजनाओं का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलेंगे इसी प्रकार से एक नए लेटेस्ट ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए किसान यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।